हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एम करीम के वेक्टर चैप्टर के क्वेश्चन को, एक एक करके देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कह रहा है आपको तीन वेक्टर दिए गए हैं पी क्यू आर, और ये तीनों वेक्टर के बीच का रिलेशन दिया हुआ है कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर को जब ऐड कर रहे हैं तो आर वेक्टर मिल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक और भी कंडीशन दिया गया है कि वेक्टर पी का जो मैग्नीट्यूड है और वो बराबर है वेक्टर क्यू के मैग्नीट्यूड के और वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड के, मतलब ये तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो हम लोगों को निकालना है देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में क्या एंगल है, दोनों के बीच का एंगल का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। क्लियर स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड जो होगा, ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ये वन से लेकर ऑलमोस्ट आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन तक, सिक्स सेवन तक, तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकली बहुत आसानी से बना सकते हैं, और इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को वहाँ पर मैंने सॉल्व किया है कि कैसे बहुत आसानी से इनफैक्ट देख के आप बना सकते हैं। एनीवे, यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो पहला मेथड देखिए कैसे आसानी से बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, वो देखते हैं, उसके बाद हम लोग जनरल मेथड देखेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ से ये क्लियर है कि दोनों वेक्टर पी और क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट है आर वेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि पी और क्यू को जब हम ऐड कर रहे हैं तो आर वेक्टर मिल रहा है। इसका मतलब ये बात है कि पक्का बात है भाई कि ये तीनों वेक्टर जो है, पहली बात तो कि एक ट्राइंगल बना रहे होंगे, एक ट्राइंगल बना रहे होंगे, ये एक श्योर बात है, ठीक है ना। और दूसरी बात कि P और मान लिया अगर ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, तो इसी का ये रिजल्टेंट होगा R वेक्टर, ये R वेक्टर होगा, ये इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर को जब ऐड कर रहे हैं तो R वेक्टर मिल जा रहा है। साथ ही साथ दिया है कि तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है मतलब इस वेक्टर का, इसका लेंथ बराबर है, मतलब ये तीनों का लेंथ बराबर है, तो हम लोगों को निकालना है P और Q के बीच का एंगल। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी दो वेक्टर के बीच के एंगल को निकालना होता है तो या तो दोनों वेक्टर के टेल को हम एक पॉइंट पे मिलाते हैं या हेड को एक पॉइंट पे। तो ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे एक Q वेक्टर का टेल तो मिला हुआ है, तो P को हम पैरेलली अगर इसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर दें, ये P वेक्टर आपका यही P वेक्टर हो गया, ठीक है ना, ये P वेक्टर कहिए, ये P वेक्टर इधर इस डायरेक्शन में कहिए, ठीक है ना। तो ये एंगल अगर इसको थीटा कहें तो यही थीटा एंगल है P और Q वेक्टर के बीच का एंगल, जिसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। क्लियर है? तो भाई मैथ से ये तीनों का लेंथ बराबर है, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल तीनों बराबर होगा, और इसका वैल्यू होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री जब ये 60 होगा तो ये कितना होगा, 180 माइनस 60 होगा, 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट? चलिए दूसरा इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, सेकेंड देखिए जनरल मेथड क्या हो सकता है। जब भी आपको जो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है उसको मान लीजिए थीटा, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिखेंगे कि लेट थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच का एंगल हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो नाउ अब हम लोग को दिया हुआ है कि भाई पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, तो कैसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, देखिए तो थीटा का वैल्यू निकालना है पी और क्यू के बीच का, तो आपको ये फॉर्मूला याद आना होगा, याद रखना पड़ेगा कि भाई दो वेक्टर पी और क्यू, पी और क्यू का जो रिजल्टेंट होता है पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को जोड़ने के बाद जो इसका रिजल्टेंट का जो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ये कितना होता है भाई, ये फॉर्मूला आपको पता होता है, ये होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आप जान रहे हैं। क्लियर है? तो आपका ध्यान डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो भाई इसी फॉर्मूले में ये थीटा आ रहा है। क्लियर है? तो अगर हम लोग ये रिलेशन दिया हुआ ऐसा करते हैं, दोनों तरफ इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ये P प्लस Q वेक्टर का इधर मैग्नीट्यूड हो गया, ये R वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अब ऐसा लिखने से फायदा ये है कि अब P प्लस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे P का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस Q का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। क्लियर? और थीटा यहाँ पे आ गया, जिसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको सिंपल हम लोग आर लिख सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक कंडीशन दिया हुआ है कि तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इसको सिंपली हम लोग पी लिख सकते हैं, इसको सिंपली क्यू, इसको सिंपली आर लिख सकते हैं, तीनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड बराबर है। क्लियर है? तो इसको ऐसा करते हैं कि पी और क्यू को भी आर के बराबर लिख देते हैं, पी आर क्यू को आर के बराबर हम लोग लिख सकते हैं, सो डेट कि इधर आ तो कुछ कैंसिल होगा, फाइनली थीटा बच जाएगा, तो ये इधर आपका हो गया, ये आर स्क्वायर प्लस टू इंटू आर
कॉस थीटा इक्वल्स टू आर। क्लियर स्टूडेंट, यहां से देखिए, यहां के बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया टू आर स्क्वायर, ये टू आर स्क्वायर कॉस थीटा, तो अंदर में हो गया ये टू आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर कॉस थीटा, तो कॉमन ले लेते हैं, तो वन प्लस कॉस थीटा, इधर आपका बच गया ये आर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये रूट हट जाएगा, तो इधर हो गया टू आर स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा, इधर ये हो गया आर स्क्वायर, और यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वन प्लस कॉस थीटा, ये इधर टू जाएगा तो वन बाई टू हो गया, वन बाई टू, यहाँ से कॉस थीटा इक्वल्स टू वन बाई टू माइनस वन, ये हो गया माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू मतलब कॉस थीटा, माइनस वन बाई टू मतलब कॉस 120 डिग्री, इसलिए थीटा का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट 120 डिग्री। तो ये जनरल मेथड आप यूज कर सकते हैं अगर आपको ग्राफिकली प्रॉब्लम हो रही है। तो देखते हैं स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर है पी और क्यू, दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं तो हम लोगों को मिलता है आर वेक्टर, साथ ही साथ कंडीशन आपको दिया गया है कि पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को और क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जब हम ऐड करते हैं तो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है, तो पी और क्यू के बीच का एंगल जिसको थीटा हम लिख रहे हैं उसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। भाई तो बहुत ही आसान है, देखिए पहला मेथड आप इसको कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मेथड वन, ठीक है ना, कि यहां पे ध्यान दीजिए इस कंडीशन पे दो वेक्टर है, दो वेक्टर पी और क्यू का रिजल्टेंट है आर वेक्टर, मतलब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को जब हम ऐड कर रहे हैं तो कौन सा वेक्टर मिल रहा है, आर वेक्टर मिल रहा है, ऑब्वियसली दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ दोनों वेक्टर को जब हम अलग अलग ऐड कर रहे हैं तो डायरेक्टली जो आर का वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है वो मिल जा रहा है। तो ध्यान दीजिए ये एक स्पेशल कंडीशन है वेक्टर का, जब आप इसको स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली दो वेक्टर को जोड़िए तो उसका जो वैल्यू है वो मिल जाता है, डायरेक्टली ऐड कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई एंगल कोई डायरेक्शन का कोई हेडेक नहीं है। ये तभी पॉसिबल होता है जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, मान लिया पी वेक्टर और क्यू वेक्टर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो, और दोनों का रिजल्टेंट आपको निकालना है तो सिंपली दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, अगर मान लिया ये फोर्स है, ये दो न्यूटन का है, ये फाइव न्यूटन का, दोनों को डायरेक्ट जोड़ दीजिए सेवन न्यूटन, कोई आपको रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, ये जो सिंबॉलिकली दिया गया है ये यही कह रहा है कि दोनों को ऐड कर दिए तो आर का मैग्नीट्यूड निकल गया। तो ये तब होता है जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, क्लियर है। तो सेम होता है कहने का मतलब हो गया कि एंगल पी और क्यू के बीच का कितना हो जाएगा, जीरो डिग्री हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। चलिए दूसरा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, भाई बहुत आसान है, अगेन जैसा कि हम लोग पहले वाले मेथड में देखें, जब भी आपको पी और क्यू के बीच का एंगल निकालना है ना तो पक्का बात है कि ये फॉर्मूला यूज करना होगा, क्योंकि इसी फॉर्मूला में ये थीटा आ रहा है, थीटा वाला टर्म आ रहा है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इसी में दोनों तरफ मॉडुलस लगा दिए, ठीक है ना। अब ये इसका वैल्यू हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा हो गया, और ये सिंपल इसको हम आर लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहां से देखिए पी प्लस क्यू इक्वल्स टू आर, तो ऐसा करते हैं पहले तो स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा इधर रह गया, इधर ऐसा करते हैं देखिए ये जो दिया हुआ इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब सिंपल पी ये सिंपल क्यू इक्वल्स टू आर, ये यही चीज है, इसी को सिंबॉलिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू पी प्लस क्यू है, तो ऐसा करते हैं आर स्क्वायर है तो आर की जगह पी प्लस क्यू कर दिए, इसका स्क्वायर हो गया, ऐसा करने से फायदा ऐसा इधर भी आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, टू पी क्यू कॉमन लेंगे कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, क्लियर है। देखिए यहां से ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, और इधर हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, क्लियर है स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा अब यहां से चले पी स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, ये टू पी क्यू कॉस थीटा, टू पी क्यू को इधर ले आते हैं तो टू पी क्यू कॉमन है, ये हो गया कॉस थीटा, ये माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्लियर है भाई। ये तो जीरो होगा नहीं, ये क्या क्या का प्रोडक्ट है, टू इंटू पी इंटू क्यू इंटू दिस टर्म, तो टू तो जीरो के बराबर नहीं होगा, पी का मैग्नीट्यूड का हैविंग सर्टेन वैल्यू ये भी जीरो नहीं होगा, क्यू भी जीरो नहीं होगा, पक्का बात है कि यही टर्म आपका जीरो होगा, तभी तो इनका प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, कोई एक तो जीरो होगा, मतलब कि कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहां से हो गया कॉस थीटा इक्वल टू वन, वन मतलब क्या हो गया कॉस जीरो डिग्री, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस जीरो डिग्री, इसलिए थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, जीरो डिग्री,
तो आप इस तरह से लंबे चौड़े तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है कि अगेन आपको दो फैक्टर पी और क्यू इस तरह से दिया हुआ है कि दोनों फैक्टर को ऐड कर रहे हैं तो आर फैक्टर मिल रहा है। साथ ही साथ कंडीशन आपको दिया हुआ है कि पी के मैग्नीट्यूड का जब स्क्वायर करते हैं और क्यू के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर करने का जो ऐड करते हैं तो आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का हम लोग को वैल्यू मिल जाता है, तो थीटा का वैल्यू निकालना है। चलिए स्टूडेंट अगेन देखिए इसको कैसे आप आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकली। अगेन यहाँ पे दिया हुआ भाई कि दो वेक्टर पी और क्यू को ऐड कर रहे हैं तो आर वेक्टर मिल रहा है, इसका मतलब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से आपका ध्यान जाना चाहिए। अच्छा इसका मतलब कुछ ऐसा कंडीशन है कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, ये मान लिया पी वेक्टर है ये क्यू वेक्टर है, दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो हमको आर वेक्टर मिल रहा है, मतलब ये एक ट्राइंगल बना रहे होंगे, कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा, पक्का बात है। लेकिन आपको एक और भी कंडीशन दिया हुआ है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू इस तरह से सेट है कि p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर करते हैं तो r का स्क्वायर मिलता है। तो अगेन आपका ध्यान जाना चाहिए कि भाई ये जो कंडीशन है ये किस ट्राइंगल के केस में वैलिड है, ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जब दो साइड के लेंथ का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो तीसरे साइड के लेंथ के स्क्वायर के बराबर मिल जाता है। तो आपका सीधा ध्यान जाना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज पे राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ही मान लिया अगर ये बेस है ये परपेंडिकुलर है तो ये P है ये Q है और ये हाइपोटेनियस R है, तो इसी केस में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, जान रहे हैं आप। इसका मतलब है कि ये तीनों वेक्टर जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है जहाँ पे ये मान लिया P वेक्टर है ये Q वेक्टर है तो इसका ये रिजल्टेंट R वेक्टर इस तरह से होगा। क्लियर बात है, ये पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर वेक्टर, यहाँ तक आप सोच लिए ठीक है। जब आपका इनफैक्ट जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो इतना करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके माइंड में ये सारा फिगर बन जाएगा। अच्छा ये तीनों ट्राइंगल बना रहा होगा ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से और ये कंडीशन के हिसाब से इसका मतलब है कि राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है तो यहाँ पे ये पी वेक्टर ये क्यू वेक्टर है तो एंगल निकालना है पी और क्यू के बीच का, तो इसको आगे पैरेलली शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब ये वैल्यू निकालना है भाई। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री होगा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, 90 डिग्री इसका आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए दूसरा मेथड क्या होगा भाई, तो अगेन दूसरा मेथड M2 क्या हो जाएगा, M2 के लिए क्या करना है P और Q के बीच का एंगल निकालना है ना, तो अगेन आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आएगा भाई, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे तभी थीटा वाला टर्म आएगा। तो दोनों तरफ हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, P प्लस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इधर ये R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ मॉडुलस लगा दिए। क्लियर है, अब डायरेक्टली ये फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, मतलब थीटा वाला टर्म आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा और इधर ये हो गया आर। क्लियर है, चलिए स्क्वायरिंग कर देते हैं, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा आर स्क्वायर। क्लियर है, साथ ही साथ अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, अब ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है तो इतना की जगह आर स्क्वायर कर देते, इधर भी आर स्क्वायर है तो इतना की जगह आर स्क्वायर हम लिख दिए, ये हो गया टू पी क्यू कॉस थीटा रह गया, इधर ये आर स्क्वायर हो गया। क्लियर है, चलिए अब यहाँ से ये आर स्क्वायर को उधर हम ले जाएंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जीरो, मतलब टू पी क्यू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। अब पक्का बात है भाई, टू इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा का वैल्यू जीरो है तो सब मल्टीप्लीकेशन है प्रोडक्ट में है तो किसी एक का वैल्यू जीरो रहा होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ पे टू जीरो नहीं हो सकता है, पी जीरो नहीं क्यू जीरो नहीं तो कॉस थीटा ही जीरो होगा। इसका मतलब है कि कॉस थीटा का वैल्यू जीरो तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है जीरो, मतलब जीरो इक्व टू कॉस 90 डिग्री, तो यहाँ से थीटा इक्व टू कितना हो गया 90 डिग्री इज योर फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है एट व्हाट एंगल थ्री फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड में एक्ट सो दैट देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू जीरो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज कीजिए आपके पास तीन फोर्स है, एक फोर्स मान लेते हैं एफ वन है, एक दूसरा एफ टू है और एक तीसरा फोर्स है एफ थ्री, तीन फोर्स है, ऑब्वियसली फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तीन फोर्स है, आपको दिया हुआ है कि तीनों फोर्स जो है इक्वल मैग्नीट्यूड का है, एट व्हाट एंगल थ्री फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड है कहने का मतलब ये एफ वन जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड, एफ टू जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड और एफ थ्री जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड, तीनों आपस में बराबर है ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एट व्हाट एंगल थ्री फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड मे एक्ट सो दैट देयर रिजल्टेंट इज जीरो। अब कितने एंगल पे ये तीनों फोर्स में हर दो फोर्स के बीच का एंगल कितना होना चाहिए सो डैट कि इन तीनों फैक्टर को जोड़ने के बाद मतलब इनका रिजल्टेंट जो है वो जीरो हो जाए, रिजल्टेंट जीरो हो जाए। स्टूडेंट समझिएगा, एक कंसेप्ट आप समझ लीजिए, ये एक जनरल कंसेप्ट या इसको आप ट्रिक कह सकते हैं,
कि जब भी आपको दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार, पांच, जितना भी वेक्टर के बारे में अगर बात किया जाए कि भाई पांच वेक्टर को, दस वेक्टर को इस तरह से जोड़ा जा रहा है कि उनका रिजल्टेंट जीरो हो रहा है, तो हमेशा ध्यान दीजिए जहां से आप वेक्टर को शुरू कर रहे हैं सारे वेक्टर को ऐड करते हुए एक डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज ऐड करते हुए आपको फाइनल फिर उसी पॉइंट पे आ जाना है। मतलब तीन वेक्टर को आपको जोड़ के ऐड अगर करना है तो आप एक वेक्टर अगर ऐसे लिए, दो वेक्टर को अगर दूसरा वेक्टर ऐसे लिए, तो पक्का तीसरा वेक्टर ऐसे लेना होगा। मान लिया आपके पास चार वेक्टर का है कि चार वेक्टर है, चारों को रिजल्टेंट, चारों का रिजल्टेंट जीरो हो रहा है, इस तरह से ऐड किया गया, तो ऐसा हो सकता है एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, तीसरा वेक्टर अगर ऐसे है तो चौथा वेक्टर को ऐसे होना पड़ेगा, तभी इनका रिजल्टेंट जीरो होगा। कोई भी सिचुएशन हो सकता है, एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, तीसरा वेक्टर ऐसे, तो चौथा वेक्टर को फिर इसी डायरेक्शन में चलते चलिए एक ही डायरेक्शन में, और फिर जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे फाइनल, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ फाइनल, तब इनका रिजल्टेंट जीरो होगा। तो भाई अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन फोर्स वेक्टर है, तीन फोर्सेज, तीनों का रिजल्टेंट जीरो हो रहा है, मतलब पक्का बात है, ये अभी हम लोग पहला मेथड देख रहे हैं एम वन, ठीक है ना, तो इसका मतलब पक्का बात है। अगर मान लिया एक फोर्स ये एफ वन को हम ऐसे मानते हैं, दूसरा फोर्स एफ टू को हम ऐसे मानते हैं, ठीक है ना, अच्छा कन्फ्यूजन नहीं हो जाए, चलिए हम किसी भी तरह मान लेते हैं, किसी भी तरह मान लेते हैं, इस तरह से मान लेते हैं, दूसरा फोर्स एफ टू को हम ऐसे मान लेते हैं, तो तीसरा फोर्स को ऐसे होना होगा, ऐसे होना होगा, ये F3 पक्का बात है, जहां से स्टार्ट किए वहीं पर फिर तीनों को मिलकर एक डायरेक्शन आ जाना होगा। लेकिन इस डायग्राम में दिक्कत क्या है कि इस तरह के सिचुएशन में कभी भी तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो अब भाई ये तो क्लियर हो गया कि तीन वेक्टर हैं, जहां से शुरू किए वहीं पर आना है, मतलब एक ट्रायंगल बना रहा है, तो कैसा ट्रायंगल बन रहा है, तीनों का साइड लेंथ बराबर है, एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है जहां पे हर का साइड लेंथ जो है बराबर है, मतलब ये स्टूडेंट हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, ये F3 वेक्टर है, और किस तरह से F1 ऐसे है, F2 ऐसे गया और F3 ऐसे आया, ये तीन वेक्टर, तीनों वेक्टर को इस तरह से ऐड कर रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट जीरो, और यहाँ पे ये तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेंथ बराबर है, ठीक है ना, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री, जितना एंगल है सब 60 डिग्री है। हम लोगों को निकालना है किसी दो के बीच का एंगल, तो हर दो के बीच का एंगल देख लीजिए कितना होगा, F1 और F2 के बीच का निकालना है, F2 का यहां पर ये टेल है, F1 को पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए, पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो गया एंगल, ये एंगल किसके बीच का हो गया, F1 और F2 के बीच का, ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, बाकी के बीच का भी आप देख लीजिए, F2 और F3, ये F2 वेक्टर है, ये F3 वेक्टर है, तो F2 को पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर दिए इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे देखिए अब ये F3 वेक्टर हो गया, ये F2 वेक्टर हो गया, तो ये F2 और F3 के बीच का, तो भाई ये भी, ये तो सब अंदर में सारा 60 डिग्री है, तो ये हो गया 120, उसी तरह आप देख सकते हैं ये एंगल 120, मतलब कि हर दो के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री, जो फाइनल आंसर, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब दूसरा मेथड, अगेन इसको हम लोग जनरल कैसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जनरल मेथड, अगर मान लिया ग्राफिकली आप इसको सॉल्व नहीं करते हैं, तो अगेन आपको भाई तीन वेक्टर दिया हुआ है, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, हर दो के बीच का एंगल निकालना है, क्लियर है, तो कैसे सोचेंगे भाई, तो अगेन हम क्या करते हैं ना, ये आपको दिया हुआ है कि तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि तीनों वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो जीरो है, मतलब एफ वन वेक्टर प्लस एफ टू वेक्टर प्लस एफ थ्री वेक्टर इक्वल टू जीरो, क्लियर है, मतलब यहाँ पे इसको हम ऐसा करते हैं कि F1 वेक्टर, और इनफैक्ट बेटर टू राइट दिस जीरो वेक्टर, ये एक जीरो वेक्टर होगा, नल वेक्टर होगा, तीन वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा ना, स्केलर थोड़ी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से F1 वेक्टर ऐसा करते हैं, F2 वेक्टर इक्वल टू ये जीरो वेक्टर माइनस F3 वेक्टर, F3 को उधर ले जाते हैं तो इधर आपका हो गया माइनस F3 वेक्टर, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि मैग्नीट्यूड दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हैं स्टूडेंट, अगेन रीजन आप समझ रहे हैं, एंगल निकालना है ना दो वेक्टर के बीच का, तो एक एक करके देख रहे हैं, अभी हम F1 और F2 के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं, तो F1 और F2 के बीच का एंगल निकालिएगा, तो भाई एक ये आपको ये टर्म, ये रिलेशन आपको लिखना पड़ेगा, तभी तो ये थीटा वाला टर्म आएगा, तभी तो उसका वैल्यू निकलेगा, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का इधर मैग्नीट्यूड ले लिए और इधर माइनस F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिए, क्लियर बात है। अब चलिए इधर हो गया रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा वन, थीटा वन लिख दिए हम, F1 और F2 के बीच का एंगल को हम थीटा वन मान रहे हैं, अभी तो हमको पता नहीं है कि एंगल बराबर होगा क्या होगा नहीं होगा, एक एक करके निकाल रहे हैं F1 और F2 के बीच का एंगल थीटा वन, इधर माइनस F3 का मैग्नीट्यूड कहिए या F3 का मैग्नीट्यूड कहिए, बात बराबर है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए,
क्लियर है। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर करने से उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, अब एक कंडीशन हमारे पास और भी है कि तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, F1 का मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड और F3 का मैग्नीट्यूड। इसको मान लिया हम x मान लेते हैं, इसको अगर हम x मान लें तो यहाँ पर देखिए, ये हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 2 × x × x × cos थीटा 1, और इधर F3 का मैग्नीट्यूड कितना है, x है, क्लियर है। अब यहाँ से इसको देखिए सॉल्व करेंगे, 2x² + 2x² cos थीटा 1, इधर x है, स्क्वायरिंग कर देते हैं तो इधर आपका बच जाएगा 2x² + 2x² cos थीटा, ये रूट आपका हट गया, इधर ये x का कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए यहाँ से अब ध्यान दीजिए, ये 2x² उधर चला गया तो इधर आपका बच जाएगा 2x² cos थीटा, इधर x² - 2x² तो ये हो जाएगा -x², क्लियर है। चलिए अब यहाँ से x² कैंसिल हो गया, -1 इधर बच गया, 2 इधर गया, तो cos थीटा -1/2, क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ से cos थीटा -1/2 कितना का वैल्यू होता है, cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है, इसलिए यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 120 डिग्री, ये थीटा 1 हम लोग लिखते चले आए हैं, थीटा 1, तो ये थीटा 1 वैल्यू निकला स्टूडेंट हम लोगों का F1 और F2 के बीच का एंगल। तो आप अगेन अब F2 और F3 के बीच का एंगल देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, F2 + F3 को इधर रखिए और F1 को उधर ले जाइए, समझ रहे हैं ना, तो फिर F2 + F3 वाला। लेकिन ध्यान दीजिए सारा प्रोसेस सेम रहेगा, क्योंकि सब जगह आपको x x x तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, थीटा 1 की जगह थीटा 2 रहेगा, लेकिन सारा कैलकुलेशन सेम होगा, यहाँ पे cos थीटा 2 = -1/2 आएगा। उसी तरह F1 और F3 के बीच का एंगल लीजिएगा तो थीटा 3 आएगा, लेकिन cos थीटा 3 = -1/2, मतलब हर केस में थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, मतलब हर दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा 120 डिग्री ही होगा, क्लियर। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, अ फोर्स एफ इज डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, कैलकुलेट इट्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग, कह रहा है कि एक फोर्स एफ जो है वो वाई एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहा है, ये वाई एक्सिस की तरफ ये फोर्स आपका लग रहा है, तो एक्स एक्सिस की तरफ, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट बताइए। तो अगेन ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए कि कोई भी फोर्स, ये कोई भी वेक्टर आपको दिया है और जिस भी डायरेक्शन के अलोंग आपको कहे कि कंपोनेंट निकालिए, किसी भी आर्बिटरली किसी भी डायरेक्शन के अलोंग, तो हमेशा देखिए कि वो वेक्टर जो है उस डायरेक्शन के साथ, जिस डायरेक्शन की तरफ उसका कंपोनेंट निकालना है उस डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, जितना एंगल बना रहा है पहले वो एंगल निकाल लीजिए, उसके बाद हम लोग कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, तो उस डायरेक्शन की तरफ कंपोनेंट उसका लिखने के लिए जो वेक्टर आपका दिया है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, एकदम ऑलवेज रिमेंबर, कोई और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखिए, कॉस लिखिए, और जितना एंगल वो बना रहा है उस डायरेक्शन के साथ वो एंगल लिखिए कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए भाई, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इसका एफ, तो एफ लिख दिए, कॉस लिख दिए, ठीक है, और ये वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा भाई, 90 डिग्री बनाएगा, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो एफ इंटू 0 मतलब कंपोनेंट कितना हो गया, 0, एक्स एक्सिस की तरफ इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, 0, क्लियर है। दिस इज योर फाइनल आंसर। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट कह रहा है कि दो वेक्टर पी और क्यू आपको दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है कि P वेक्टर और Q वेक्टर को ऐड करने के बाद उसका जो मैग्नीट्यूड मिलता है वो बराबर होता है जब हम P वेक्टर और Q वेक्टर को माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, तो हम लोगों को निकालना है P और Q के बीच का एंगल, क्लियर है। अगेन भाई, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने पहले ही बताया और बेहतर होगा वो वीडियो आप जाके देख ही ले, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है कि आप कैसे देखते के साथ बता सकते हैं कितना एंगल होगा। इवन देन यहाँ पे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं ब्रीफली कि भाई P वेक्टर और Q वेक्टर में इस तरह का रिलेशन है, थीटा का वैल्यू निकालना है, तो समझिएगा क्या होगा, दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं, मान लेते हैं कहीं भी आर्बिट्रेरली इन जनरल कि मान लेते हैं भाई एक वेक्टर ये P वेक्टर है, एक वेक्टर ये P वेक्टर है और एक वेक्टर मान लिया ये Q वेक्टर है। अब ध्यान दीजिएगा, इन जनरल हमको तो पता नहीं है दोनों के बीच का एंगल क्या है, नहीं पता, आर्बिट्रेरली मान लेते हैं इस तरह से P और Q वेक्टर है। अब ध्यान दीजिए कि P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, ध्यान दीजिए, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ये आपका होगा, यही वेक्टर जो होगा यही होगा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर,
अच्छा, और p वेक्टर माइनस q वेक्टर कौन सा होगा? तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं, ये q वेक्टर है ना, तो माइनस q वेक्टर क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कर दीजिए, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही सेम मैग्नीट्यूड का मान लिया, तो ये हो गया माइनस q वेक्टर, ये हो गया माइनस q वेक्टर। तो p वेक्टर माइनस q वेक्टर कौन सा होगा, ये वेक्टर होगा, p वेक्टर माइनस q वेक्टर, ये वेक्टर हो गया। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये, और p वेक्टर माइनस q वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है। ध्यान दीजिए, कभी बराबर नहीं होगा, इस तरह से कभी भी बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे बेसिक तरीके से आप समझिए, ये p वेक्टर है, ये तो फिक्स है, दोनों के लिए कॉमन है, q वेक्टर आपका इधर, इससे और डेविएट हो गया, दूर चला गया, तो इसका लेंथ ज़्यादा बड़ा हो गया, और यहाँ पर इस तरफ में क्या है, ये और इसके ज़्यादा, इसके टेल से और ज़्यादा नज़दीक आ गया, इसके और ज़्यादा नज़दीक आ गया, तो ये छोटा हो जाएगा, मतलब पक्का बात है ये हमेशा छोटा रहेगा, ये बड़ा हो जाएगा। आप कुछ भी करके देख लीजिए, मतलब क्यू वेक्टर को आप इधर कर दीजिएगा, इधर कर दीजिएगा ना, क्यू वेक्टर को इधर की जगह पे इधर कर दीजिएगा, तो इस केस में पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर वाला इसका मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। और इस केस में क्या होगा, क्यू वेक्टर को आप ऐसे ना किए हैं, तो माइनस क्यू वेक्टर ऐसे चला जाएगा, तो पी माइनस क्यू इधर चला जाएगा, तो पी माइनस क्यू वाला बड़ा हो जाएगा। तो ये लेंथ मेरा और ये लेंथ मेरा बराबर रहे, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर रहे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब कि मैथ्स के हिसाब से दोनों का लेंथ बराबर है। ये तभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब ये p वेक्टर अगर है तो q वेक्टर बिल्कुल इस तरह से रहे। क्यों? क्योंकि इसी केस में ये p वेक्टर प्लस q वेक्टर जो कि ये होगा, और p वेक्टर ये माइनस q वेक्टर इधर हो गया, माइनस q वेक्टर हो गया, और p वेक्टर माइनस q वेक्टर ये हो गया, दोनों बराबर होगा, दोनों का लेंथ बराबर होगा इसी केस में, क्योंकि इसी केस में ये q वेक्टर इस टेल से जितना दूर हो गया ये लेंथ, और इधर भी सेम दूरी पे हो गया इस टेल से सेम, ठीक है, ये दोनों बराबर होगा, ये तभी पॉसिबल है। मतलब इस केस में ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री p और q के बीच का। तो स्टूडेंट, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसी केस में जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो ये हमारा कंडीशन फुलफिल होगा, एंड सो द फाइनल आंसर इज 90 डिग्री। स्टूडेंट, दूसरा आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं जनरल तरीके से, M2 दूसरे मेथड की अगर बात करें तो अगेन भाई जनरल मेथड कि भाई P और Q के बीच का एंगल निकालना है, इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला, ये रिलेशन हम लोगों को यूज करना होगा, क्योंकि इसी रिलेशन में ये थीटा वाला टर्म आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, ये तो ऑलरेडी दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, अगेन इसको हम लोग फिर से एक बार इस तरह से लिखते हैं, चलिए ठीक है स्टूडेंट। और अब यहाँ से क्या करते हैं, दोनों तरफ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर थीटा एंगल ले रहे हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा p का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, क्लियर है। और इधर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए दोनों तरफ ऐसा करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर कर देंगे तो इधर आपको बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और इधर बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, क्लियर। ध्यान दीजिएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इधर का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, इधर 2pq cos थीटा है, इधर ये माइनस 2pq cos थीटा है, तो माइनस 2pq cos थीटा को इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलिए ऐसा करते हैं एक लाइन लिख ही लेते हैं, 2pq cos थीटा इधर बच गया, ये माइनस 2pq cos थीटा को इधर ले आते हैं, तो ये आपका हो गया प्लस 2pq cos थीटा, ये ऐसा करते हैं, उतना आप नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, 2pq cos थीटा इधर बच गया, इधर माइनस 2pq cos थीटा बच गया, सिंपल, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोनों तरफ का कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ये 2pq कैंसिल हुआ, तो cos थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2cos थीटा इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये माइनस कॉस थीटा को इधर ले आएंगे तो 2cos थीटा इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हो गया cos थीटा, जैसे भी सॉल्व कीजिए cos थीटा इक्वल टू जीरो, तो जीरो इसका cos थीटा इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तभी तो cos 90 इक्वल टू जीरो होता है। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही केस में इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री, क्लियर स्टूडेंट। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, कैन द रिजल्टेंट ऑफ 3 अनइक्वल फोर्सेज बी इक्वल टू जीरो। आपके पास तीन फोर्स हैं, तीनों का लेंथ अलग अलग है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मतलब अनइक्वल फोर्सेज हैं, तो क्या उनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। स्टूडेंट याद कीजिए, इसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन में आपको बताए थे, हम क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं, बताए थे कि जब भी आपके पास 3, 4, 5 जितना भी फोर्स दिया हुआ है या कोई भी वेक्टर आपको दिया हुआ है और उसका रिजल्टेंट जीरो का बात हो रहा है, मतलब
कि भाई वो तीन, मान लिया तीन क्या बात करें, तो तीनों इस तरह से है कि जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर फिर लास्ट होना चाहिए, जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर फिर लास्ट होना चाहिए, तभी इसका रिजल्टेंट जीरो होगा। तीन चार पाँच दस जितना भी आपका वेक्टर हो, क्लियर है? अब समझिएगा, तीन फोर्स की बात हो रही है। सपोज कीजिए कि भाई एक फोर्स आपका वेक्टर ऐसे है, एक एफ वन फोर्स ऐसे है, ठीक है। अब एक दूसरा फोर्स हम मान लेते हैं, ये एफ टू वेक्टर हम मान लेते हैं, ठीक है। एक तीसरा फोर्स हम अगर मान लें कि इस तरह से है, एफ थ्री, तो क्या ये तीनों का रिजल्टेंट कभी जीरो होगा? कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि भाई ये जीरो तभी पॉसिबल होता जब इनिशियल और फाइनल तीनों को ऐड करने के बाद जीरो होता। मतलब अगर एफ थ्री का मैग्नीट्यूड को और हम थोड़ा बढ़ा भी दें, मान लिया ये एफ वन वेक्टर है, ये एफ वन वेक्टर है, ये एफ टू वेक्टर है, ये एफ टू वेक्टर है, मान लिया एफ थ्री को और हम थोड़ा बढ़ा दें, एफ थ्री, क्लियर है, इसका मैग्नीट्यूड को और बढ़ा दे, तो भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। ये जीरो होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में जीरो हो सकता है कि अगर एफ वन मान लिया ऐसे है, एफ टू ऐसे है तो एफ थ्री को इस तरह से होना पड़ेगा, कम्प्लीटली यहाँ तक आना पड़ेगा, क्लियर बात है, एफ थ्री, तभी जीरो होगा तीनों का रिजल्टेंट। ये कंसेप्ट हम लोगों ने पहले देखा था। अब समझिएगा, इस कंसेप्ट के आधार पर एक फर्दर हम एक कंसेप्ट डिराइव कर सकते हैं, या एक ट्रिक आप डिराइव कर सकते हैं कि भाई जब भी हम लोगों को देखना हो कि क्या तीन अनइक्वल फोर्स आपको दे दिया गया है, कि 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन का फोर्स दे दिया गया, तीनों का अनइक्वल है, अलग अलग वैल्यू है, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, तो क्या इन तीनों को ऐड करने पर रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? जब भी इस तरह का देखना है तो क्या हम ये कंसेप्ट कह सकते हैं कि भाई तभी जीरो होगा जब दो स्मॉलर वैल्यू वाला जो फोर्स होगा, या दो स्मॉलर वैल्यू, छोटा वैल्यू वाला जो वेक्टर होगा, वो दोनों को ऐड करने के बाद, जो बड़ा वैल्यू वाला जो फोर्स होगा या बड़ा वैल्यू वाला जो वेक्टर होगा, या तो उसके बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। ये तीन एग्जांपल जो तीन फिगर ड्रॉ किए, इससे हम यही बताना चाह रहे हैं। ऑलवेज दो छोटा वाला का जो वैल्यू है वो इस तरह से होना चाहिए कि या तो बड़ा वाला के बराबर हो या उससे बड़ा हो, तभी जीरो हो पाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये दोनों को क्लियर है, दोनों को ऐड करेंगे तो इससे छोटा ही रह गया, यहाँ भी ये दोनों को ऐड करेंगे, दोनों छोटा वाला जो है तो इससे छोटा ही रह गया, दोनों को ऐड करने के बाद भी, तो यहाँ भी जीरो नहीं हो पाएगा, यहाँ भी जीरो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों को ऐड करेंगे तो इससे बड़ा हो जा रहा है, इससे बड़ा हो जा रहा है, या बराबर तो पक्का हो रहा है, कोई डाउट नहीं है, किसी भी तरह का ट्राइंगल बने, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं भाई कि रिजल्टेंट जीरो होगा। तो क्या हम एक जनरल, इन जनरल कह सकते हैं कि जब भी तीन वेक्टर का रिजल्टेंट देखना है कि जीरो हो सकता है कि नहीं, तो आप दो छोटा वैल्यू वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ऐड कीजिए, अगर उसका वैल्यू तीसरे वाले जो बड़ा वाला जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड के या तो बराबर हो जाए या उससे बड़ा हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि भाई रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, क्लियर है। मतलब कि यहाँ पर इन जनरल ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसको आप याद कर लीजिए कि फॉर रिजल्टेंट ऑफ थ्री फैक्टर्स टू बी जीरो, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो होने के लिए सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू स्मॉलर वेक्टर्स मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर, क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि कैन द रिजल्टेंट ऑफ थ्री अनइक्वल फोर्सेज, मे बी जीरो, मे बी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर दो छोटा वाले का वैल्यू जो है बड़े वाले के बराबर हो जाए या उससे बड़ा हो जाए, क्लियर है। तो इसका आंसर यस हो गया। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि ऑलमोस्ट बेस्ट है ये सारे क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट पर, कि देयर आर थ्री फोर्सेज, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। तीन फोर्सेज है, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन, दूसरे का 5 न्यूटन और तीसरे का है 10 न्यूटन, क्लियर है। तो कह रहा है कैन देयर रिजल्टेंट बी इक्वल टू जीरो, क्या इसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो छोटा वाला कौन है, 4 और 5, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9 न्यूटन। अब ये दोनों छोटा वाला को ऐड किए 9 न्यूटन, तो जो बड़ा वाला है उससे छोटा ही रह जा रहा है, 10 से छोटा ही रह जा रहा है। इसका मतलब है कि ये तीनों वेक्टर को, अगर आपको तीन वेक्टर दे दिया जाए, एक का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन हो, एक का 5 न्यूटन, एक का 10 न्यूटन, और किसी भी अलग अलग डायरेक्शन में लीजिए, तो पक्का बात है इस तीनों का रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, कभी भी जहां से स्टार्ट किए थे वहां पे फाइनल नहीं पहुंच पाएगा, मतलब इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता है। तो कह रहा है कि देर आर थ्री, कैन देर रिजल्टेंट भी जीरो, तो नो भाई, कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, दोनों छोटा वाला को ऐड कर रहे हैं तो बड़ा वाला से कम आ रहा है वैल्यू डायरेक्टली, ऐसे देखिए, क्लियर है। चलिए मूव करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है देर आर थ्री फोर्सेज, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। एक है 4 न्यूटन, एक 6 न्यूटन और एक 8 न्यूटन। तो कह रहा है कैन देर रिजल्टेंट बी इक्वल टू जीरो, क्या इनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे दो छोटा वाला कौन है, तो 4 और 6 वाला, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 10 न्यूटन। अब ये 10 का जो वैल्यू है, 10 जो है ये 8 न्यूटन, बड़ा वाला जो है इससे बड़ा होगा, दोनों को ऐड किए तो इसका वैल्यू ये इससे बड़ा हो गया तीसरे वाले से। इसका मतलब है कि ये तीनों का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, एंड सो द आंसर इज यस।
क्लियर है स्टूडेंट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल फोर्सेज बी इक्वल टू जीरो। दो ही फोर्स है, अब ध्यान दीजिएगा, दो ही फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग रब कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा था, कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल फोर्सेज बी इक्वल टू जीरो। दो अनइक्वल फोर्स है तो क्या उनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? दो अनइक्वल फोर्स है, देखिए इसको अगेन आप दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला मेथड, दो अनइक्वल फोर्स है, अब दो ही है, तीन नहीं है, दो अनइक्वल है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो उसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। भाई अब देखिए, रिजल्टेंट को जीरो करना है, जीरो करना है मतलब दोनों को घटाने के बाद जीरो वैल्यू आना चाहिए। दो ही है तो दोनों को घटाने के बाद जीरो होना चाहिए। भाई ये तभी पॉसिबल है कि मान लिया अगर एक वेक्टर जितना मैग्नीट्यूड का इधर है, दूसरा वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का इधर होगा। सेम मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर अगर ईस्ट की तरफ है, दूसरा वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का वेस्ट की तरफ है, तभी ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट जीरो हो गया। एक ही केस पॉसिबल हो सकता है, दूसरा और किसी भी केस में, क्योंकि बाकी किसी भी सूरत में आप दो वेक्टर ले लीजिए और बल्कि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो, लेंथ भी मान लिया हो सकता है कि लेंथ सेम हो, डायरेक्शन अलग हो, ठीक है ना, या फिर अगर आप दोनों का डायरेक्शन सेम कर दीजिए, लेंथ अलग अलग है, कुछ भी, तो बाकी किसी भी सिचुएशन में आप दो वेक्टर को ऐड करने के बाद उसका रिजल्टेंट आपको जीरो कभी भी नहीं मिलेगा। रिजल्टेंट जीरो सिर्फ और सिर्फ एक इसी केस में मिल सकता है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, तभी दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो जीरो होगा। क्लियर है? तो आप समझिएगा, एक तो पहला ये तरीका हो गया। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल फोर्सेज बी जीरो, तो नहीं, अनइक्वल कह रहा है, तो भाई अनइक्वल है मतलब मैग्नीट्यूड अलग है, तब तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जीरो होने के लिए तो यही एक कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड भी बराबर और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होना चाहिए, तो इसका आंसर हो गया नो। क्लियर है? ये पहला मेथड। दूसरा देखिए आप इसको कैसे समझ सकते हैं, ध्यान दीजिए, ऑलवेज रिमेंबर आप एज ए कंसेप्ट यू कैन राइट इट कि जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू होगा, दो वेक्टर मान लिया पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, दोनों वेक्टर को आप ऐड किए तो कुछ रिजल्टेंट मिला, उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमेशा ध्यान दीजिए, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, मिनिमम वैल्यू होगा पी माइनस क्यू, मिनिमम वैल्यू की कितना मिनिमम हो सकता है तो सिंपल दोनों को घटा दीजिए, और मैक्सिमम जो होगा वो पी प्लस क्यू होगा। मैक्सिमम कितना वैल्यू होगा ये दोनों फैक्टर को ऐड करने के बाद, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल दोनों फैक्टर को जोड़ दीजिए जब दोनों फैक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, और जब मिनिमम कितना होगा, जब दोनों फैक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसके बराबर भी हो सकता है या इससे छोटा होगा, इसी तरह ये p माइनस क्यू के या तो बराबर होगा या इससे हमेशा बड़ा होगा, ये मिनिमम वैल्यू होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर मैथमेटिकली इस कंसेप्ट के आधार पर भी आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि भाई टू अनइक्वल फोर्स है, दो फोर्स है, दोनों अनइक्वल है और रिजल्टेंट उसका जीरो। रिजल्टेंट जीरो होने के लिए भाई आप समझिए कि F1 - F2 ये जीरो, यही मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, रिजल्टेंट जीरो, तो F1 - F2 ये जीरो तभी ना होगा, दो अगर अनइक्वल फोर्स है, F1 और F2 अगर है, तो रिजल्ट मिनिमम वैल्यू जीरो करने के लिए मिनिमम कीजिएगा, मतलब दोनों का मिनिमम वैल्यू F1 - F2 ये जीरो होना चाहिए, तो ये अगर आप करते हैं तब तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है, तभी जीरो होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है कि अनइक्वल, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, एंड सो द आंसर इज नो। क्लियर स्टूडेंट? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कैन अ ईस्टवर्ड डायरेक्टेड फोर्स, एक फोर्स है ये, आपका ध्यान दीजिए ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ये आपका हो गया ईस्ट, हो गया वेस्ट, नॉर्थ और ये हो गया साउथ। क्लियर? तो एक है कैन ईस्टवर्ड डायरेक्टेड फोर्स, एक ईस्टवर्ड डायरेक्टेड फोर्स है, एक फोर्स है जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मान लिया हम इसको F1 फोर्स मान लेते हैं, ठीक है ना, बी बैलेंस्ड बाय ए नॉर्थवर्ड डायरेक्टेड फोर्स, और एक दूसरा क्या, एक दूसरा फोर्स है नॉर्थवर्ड डायरेक्टेड में, इसको हम F2 यहां पे मान लेते हैं। क्लियर है? तो क्या ये जो फोर्स F1 है जो कि ईस्ट की तरफ लग रहा है, ये फोर्स जो है बैलेंस किया जा सकता है इस F2 फोर्स के द्वारा जो कि नॉर्थ की तरफ लग रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स, कि क्या ये दोनों फोर्स को हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट जीरो होगा? बैलेंस करने का मतलब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो जीरो हो जा रहे हैं, कभी भी जीरो नहीं होगा। भाई F1 फोर्स को कौन बैलेंस कर सकता है? एक दूसरा फोर्स जो कि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का हो, सेम मैग्नीट्यूड का हो, वही फोर्स इसको बैलेंस करेगा। F2 फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? तो ऐसा फोर्स जो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एक जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, वही फोर्स इसको बैलेंस करेगा। अब यहाँ पे एक फोर्स है भाई ईस्ट की तरफ, एक नॉर्थ की तरफ, कभी भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकता है,
क्लियर बात है, मतलब इसका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका रिजल्टेंट तो F2 कुछ ऐसे होगा, तो रिजल्टेंट का कुछ वैल्यू आएगा, कुछ वैल्यू आ जाएगा, कुछ मैग्नीट्यूड, यही रिजल्टेंट है। समझते हैं, क्लियर है। चलिए देखिए, थ्योरी ऑब्वियसली आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी अगर आपका क्लियर है तभी आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह समझते चलेंगे। तो ऑलरेडी थ्योरी हम लोगों ने देख लिया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थ्योरी पढ़ने के बाद उम्मीद है कि बहुत ही कम जगह आपको परेशानी होगी, आप बहुत तेज़ी से बनाते चले जाएंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन बी इक्वल टू। अब देखिए, कह रहा है कि आपके पास दो फोर्स है, एक 10 न्यूटन का है, एक 6 न्यूटन का है, तो क्या इनका रिजल्टेंट जो है, पहले ऑप्शन में कह रहा है कि 3 न्यूटन हो सकता है, 4 न्यूटन हो सकता है, दूसरे ऑप्शन में कि 8 न्यूटन हो सकता है, तो ये सब वैल्यू हो सकता है कि नहीं ये दोनों फोर्स को ऐड करने के बाद। तो भाई अगेन, अभी हम लोगों ने यहाँ पर कंसेप्ट देखा कि भाई दो फोर्स को ऐड करने के बाद उसका वैल्यू जो है वो मिनिमम हो सकता है पी माइनस क्यू, मैक्सिमम हो सकता है पी प्लस क्यू। तो अब ध्यान दीजिएगा, दो फोर्स है 10 न्यूटन और 6 न्यूटन, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों फोर्स, मतलब एक फोर्स है F1, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन, और एक दूसरा फोर्स है मान लिया F2, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 6 न्यूटन, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, ये दोनों फोर्स को हम जब ऐड करेंगे तो इसका मिनिमम जो पॉसिबल वैल्यू होगा, इसका मिनिमम वैल्यू जो हमको मिल सकता है ये कितना होगा, तो सिंपल माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 6 मतलब 4 न्यूटन, कम से कम इतना वैल्यू हो सकता है, इससे कम मतलब 3 न्यूटन फोर्स हम कभी भी ये दोनों वेक्टर को किसी भी तरह से ऐड करें किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन 3 न्यूटन हमको कभी नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है इन दोनों वेक्टर को ऐड करने पे, तो 10+6 सिंपल ऐड कर दीजिए 16 न्यूटन, 16 न्यूटन से ज़्यादा वैल्यू का फोर्स हम इन दोनों को ऐड करके किसी भी तरह से नहीं हम ला सकते हैं, क्लियर है। तो मिनिमम 4 न्यूटन 6 न्यूटन। अब इसके आधार पे आप देख लीजिए कि कौन कौन पॉसिबल है, किसका वैल्यू 4 न्यूटन और 16 न्यूटन के बीच में होगा, ठीक है। तो 3 न्यूटन पॉसिबल है कि नहीं, 3 न्यूटन तो 4 न्यूटन से कम हो गया, मिनिमम वैल्यू से कम हो गया, तो ए वाला पॉसिबल नहीं है। ए वाला यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं, ए वाला जो है ये पॉसिबल नहीं है। बी में कह रहा है 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन तो पॉसिबल है, 4 और 6 के बीच में होगा, इसका वैल्यू जो होगा 4 से बड़ा होगा और 16 से छोटा होगा, यही इसका जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू जो होगा 4 और 16 के बीच में होगा या बराबर भी हो सकता है। तो बी वाले में कह रहा है 4 न्यूटन, तो हाँ ये पॉसिबल है। सी वाले में कह रहा है 8 न्यूटन, तो 4 और 16 के बीच में है तो 8 न्यूटन, ये भी पॉसिबल है। डी में कह रहा है 16 न्यूटन, तो 16 तक जा सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। उसके बाद कह रहा है 18 न्यूटन, तो 18 न्यूटन नहीं पॉसिबल है, मैक्सिमम इसका वैल्यू 16 न्यूटन तक ही हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट विल बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग निकाल लिए भाई, मिनिमम वैल्यू कितना होगा 4 न्यूटन, दोनों को माइनस कर दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा दोनों को ऐड कर दीजिए 16 न्यूटन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले थोड़ा इसको रब कर ले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है स्टूडेंट, द मैक्सिमम एंड मिनिमम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज आर रेस्पेक्टिवली 16 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, देन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेज। चलिए मान लेते हैं कि दो फोर्स वेक्टर है आपके पास, F1 और F2 वेक्टर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि भाई दोनों वेक्टर को आप जब ऐड करते हैं तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसका मैक्सिमम मैक्स वैल्यू हम लोग लिखते हैं, तो ये होता है 16 न्यूटन, और इसी दोनों वेक्टर को जब आप ऐड करते हैं तो इसका जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होता है, इसका मिनिमम जो पॉसिबल वैल्यू होता है ये होता है 4 न्यूटन। तो दोनों वेक्टर का, दोनों फोर्स का अलग अलग वैल्यू हमको बताइए, मतलब F1 जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और F2 जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हम लोग को बताइए भाई। तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि भाई दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को कब मिलता है, सिंपल जब दोनों वेक्टर को आप ऐड कर दीजिए, मतलब F1 प्लस F2 कर दीजिए, तो यही F1 प्लस F2 का वैल्यू 16 हो गया। उसी तरह मतलब F1 प्लस F2 का वैल्यू हो गया 16, उसी तरह मिनिमम वैल्यू कब मिलता है, मिनिमम वैल्यू कब मिलता है जब दोनों फैक्टर को सिंपल आप माइनस कर दीजिए, तभी मिनिमम वैल्यू मिलता है जब दोनों को माइनस कर दिया। इसका मतलब F1 माइनस F2 का वैल्यू हो गया 4। अब यहां से दो रिलेशन निकल गया, पहला और दूसरा, यहां से बाई 1 एंड 2, बाई 1 या 1 प्लस 2, ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो F2 माइनस F2 कट जाएगा, इधर हो जाएगा 2F1, इधर हो जाएगा 16 प्लस 4 20, और यहाँ से F1 इक्वल्स टू हो गया आपका 10 न्यूटन, तो F1 10 न्यूटन, इसलिए F2 कितना हो जाएगा, किसी एक में रख दीजिए, F1 10 है, इधर 16 माइनस 10, तो ये हो गया 6 न्यूटन। तो दोनों फोर्स का अलग अलग वैल्यू निकल गया, एक 10 न्यूटन, एक 6 न्यूटन,
क्लियर स्टूडेंट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये इसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट वुड बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट इफ द टू फोर्सेज एक्ट्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। अगर ये दोनों फोर्स वेक्टर जो है, अभी इसमें डायरेक्शन दोनों के बीच का एंगल का पता नहीं था कुछ, अब कह रहा है भाई लेकिन दोनों का अलग अलग वैल्यू हम लोग निकाल दिए, तो अब कह रहा है अगर ये दोनों फोर्स राइट एंगल ट्राइंगल पर लगे, मतलब इस केस में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दे दिया है 90 डिग्री, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन, तो कह रहा है इसका रिजल्टेंट का वैल्यू बताइए, व्हाट वुड बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। भाई तो बहुत ही आसान है, इसलिए रिजल्टेंट का वैल्यू मतलब F1 और F2 को जब ऐड करते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ये कितना हो जाएगा, सिंपल कर दीजिए, रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। जब दो वेक्टर राइट एंगल पे लगता है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो रिजल्टेंट का वैल्यू सिंपल क्या होता है, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, फॉर्मूला तो वही है, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, जो भी फॉर्म में आप याद रखे हुए, तो प्लस 2PQ cos थीटा, तो cos थीटा वहाँ पे क्या है 90 डिग्री, थीटा 90 है, तो cos 90 डिग्री जीरो हो जाता है, तो 2PQ cos 90 वो टोटल टर्म ही जीरो हो जाता है, तो बच जाता है सिर्फ यही रूट अंडर P² प्लस Q² का, इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आप पुट कीजिएगा, F1 का वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, F2 है 6, 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया 136, ठीक है। अब ये अगर 144 होता तब तो इसका वैल्यू सीधे हो जाता 12 हो जाता, तो 12 से कम तो इसका वैल्यू आ जाता है लगभग 11.6 न्यूटन, इसका आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द मैग्नीट्यूड्स ऑफ थ्री फैक्टर्स P, Q and R are respectively 12, 5 and 13 न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में तीन वेक्टर आपको दिया है, P, Q और सबका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, P का मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन, Q का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और R का मैग्नीट्यूड है 13 न्यूटन, क्लियर है। एंड इफ P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर, चलिए P और वेक्टर Q वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो R वेक्टर है, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q, P और Q के बीच का एंगल क्या है, जिसको हम थीटा अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो थीटा का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। क्लियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट क्या है कि आप इसको भी बहुत आसानी से एक तो सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक पहला जो इजी मेथड क्या होगा, बहुत आसानी से ध्यान दीजिए। देखिए भाई ये क्या है कि P वेक्टर और Q वेक्टर दोनों को ऐड करने पे हमको R वेक्टर मिल रहा है, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन से आपके दिमाग में फिगर बन गया कि भाई ये तीनों मिलकर कुछ ट्रायंगल बना रहा होगा, पक्का बात है। अब यहाँ पर और भी कंडीशन दिया हुआ, ये तीनों का वैल्यू को ध्यान से देखिए, तीनों को वैल्यू को ध्यान से देखिए, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, ये P का स्क्वायर करेंगे मतलब 12 का स्क्वायर, Q का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 13 के स्क्वायर के बराबर आएगा। इधर ये 144 प्लस 25 इक्वल्स टू 169, ध्यान दीजिए मैथ में बहुत बार यूज किए होंगे आप लोग, तो इस वैल्यू पे अगर आप थोड़ा सा इस चीज को आप पकड़ लें तो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, ये तो आप डिसाइड कर लिए कि भाई तीनों मिलकर एक ट्राइंगल बना रहा है, एक ट्राइंगल बना रहा है, तो अब एक ऐसा कौन सा ट्राइंगल बन रहा है जहां पे दो ट्राइंगल के साइड का स्क्वायर को जब हम ऐड करते हैं तो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, तो ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, जहां पे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब है कि ये तीनों वेक्टर जो है राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा होगा, जहां पे मान लीजिए पी वेक्टर ऐसे है, ये क्यू वेक्टर ऐसे है, ये क्यू वेक्टर ऐसे है, और इसका रिजल्टेंट जो है ये आर वेक्टर जो कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, ध्यान दीजिए ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, अगर ये पता नहीं होगा तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन ही राइज होगा ना कि ये हम कैसे समझे कि यही 13 वाला है, ये यही 13 वाला है, यही 12 है और ये 5। अब यहाँ पे ये 12 और 5 तो इंटरचेंज हो सकता है, बेस और परपेंडिकुलर थोड़ा सा मैथ्स पे जा रहे हैं, क्लियर होना चाहिए आपका कंसेप्ट कि बेस और परपेंडिकुलर तो डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उस हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है, आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस का लेंथ जो सबसे ज़्यादा होता है हाइपोटेनियस, ये हमेशा फिक्स होता है, वो हमेशा हाइपोटेनियस कौन होता है, 90 डिग्री वाला जो एंगल है उसके सामने वाला साइड और सबसे बड़ा होता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर डिसाइड कर लिए कि भाई ये पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर होगा या आर वेक्टर होगा, तो यहाँ से पी और क्यू के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, बहुत आसानी से बना लिया। अब अगर मान लिया आपको इस मेथड में कन्फ्यूजन या ग्राफिकली आप मान लिया अगर आपके दिमाग में नहीं आ पाया तो इसको दूसरा मेथड से हम लोग बना लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पी और क्यू के बीच का एंगल निकालना है, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है पी प्लस क्यू इक्वल्स टू आर वेक्टर, अगेन भाई दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा वाला यहाँ पे मिटा दिए, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे आप दोनों तरफ इसका मॉडुलस ले लेंगे,
क्लियर है। तो अब यहां से फायदा क्या हुआ, ये फॉर्मूला आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, यही थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है, इधर आर हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इधर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर, क्लियर है। चलिए सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, सबका वैल्यू पुट कीजिए ना, पी का वैल्यू कितना है आपको दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू का वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा, आर का वैल्यू 13 का स्क्वायर, अब स्क्वायर कीजिएगा 144 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 169, इधर भी 169, सब मिलकर जीरो, इधर ये 2 इंटू 12 इंटू 5 ये हो गया 120, तो 120 कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो, क्लियर है। इसको सॉल्व करके आप देखिए, ठीक है, यहाँ से कॉस थीटा आपका हो गया जीरो, जीरो मतलब कॉस 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, तो आप इस तरह से जनरल तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री वेक्टर्स पी क्यू एंड आर आर रेस्पेक्टिवली 3 न्यूटन 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में पी का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है, क्यू का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन और आर का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन आपको दिया हुआ है, और साथ ही साथ भाई पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं तो आर वेक्टर मिल रहा है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच का एंगल निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा बिल्कुल ऑलमोस्ट पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, पहला मेथड अगेन भाई ये तीनों मिलकर ट्रायंगल बना रहा होगा, साथ ही साथ वैल्यू पे ध्यान दीजिए, वैल्यू पे ध्यान दीजिए कि ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर होगा, पी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये 9 हो गया 16, दोनों ऐड किए इधर 25 इधर 25, इसका मतलब ये हुआ कि P और Q जो है ये दोनों में से कोई एक बेस होगा तो एक परपेंडिकुलर होगा, क्लियर बात है, और ये आपका रिजल्टेंट होगा, ये P ये Q ये R, क्लियर है स्टूडेंट, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 3 4 5, और ये एंगल 90 डिग्री, तो बहुत ही आसान, या फिर आप इसको जनरल तरीके से सोल्व कर सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड लाइक दिस, समझ रहे हैं, जैसा कि हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, जनरल तरीके से आप इसको बना सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट कुड बी द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड आर, ध्यान दीजिएगा, चलिए पी और आर के बीच का एंगल निकालना है, अच्छा ये एंगल अब निकालना है, ये एंगल अब निकालना है, ध्यान दीजिएगा, तो भाई बहुत ही आसान है, पी का वैल्यू 3 हम लोगों को पता है, ये 4 पता है, ये आर का वैल्यू 5 पता है, ठीक है ना, तो नहीं निकाल लेंगे ये तो मैथ से, इसमें ये एंगल मान लेते हैं, अगर इसको हम अल्फा मानते हैं तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, ये पता है, सब पता है, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 3 है, 3 बाय हाइपोटेनियस 5, इसलिए अल्फा कितना हो गया कॉस इनवर्स 3/5, दिस इज योर आंसर, क्लियर है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दिया गया है आप देख सकते हैं, टू न्यूमेरिकली इक्वल फोर्सेज आर एक्टिंग एज सोन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, ध्यान दीजिएगा फिगर क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका एक 100 न्यूटन का फोर्स इस तरह से लग रहा है, ये आपका 100 न्यूटन का फोर्स है और एक दूसरा 100 न्यूटन का फोर्स ध्यान दीजिएगा इस तरह से लग रहा है, ठीक है, ये भी 100 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पर ये एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है ना, तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, दो वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा भाई जब भी दो वेक्टर को जोड़ने पे उसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, जहाँ पे दोनों वेक्टर का अलग अलग मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए, तो अलग अलग मैग्नीट्यूड पता है, साथ ही साथ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यही मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, ये 60 डिग्री जो है ये इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग निकालते हैं तो या तो दोनों के हेड को या टेल को एक जगह मिलाते हैं, तो अभी यहाँ पर क्या है ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर का हेड यहाँ पे है, सॉरी हाँ ये हेड आपका यहाँ पे, इस वेक्टर का हेड यहाँ पे है और इस वेक्टर का टेल यहाँ पे, इस वेक्टर का टेल यहाँ पे, तो हेड और टेल मिला हुआ है, नहीं या तो दोनों के हेड को एक जगह मिलाइए या दोनों के टेल को एक जगह मिलाइए ऑलवेज, तो मान लिया अगर इसका टेल को आप यहीं पे रहने दीजिए, इसको पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर दीजिए, पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए, तो अब इस वेक्टर का टेल यहाँ पे आ गया, तो ये इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो गया, तो ये एंगल कितना, ये 60 है, तो 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री हो जाएगा,
क्लियर है, या फिर आप चाहते हैं दोनों के हेड को मिलाना तो इसके हेड को, ये 100 न्यूटन इसके हेड को यहीं पर रहने दीजिए, इसको पैरेलली नीचे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, मान लिया ऐसे पैरेलली शिफ्ट ले शिफ्ट कर दी इसको नीचे ऐसे, तब इसका हेड यहाँ पे आ गया, तो अब ये एंगल, तो ये एंगल भी फिर से 120 हो जाएगा, इस स्ट्रेट लाइन में ये 60 है तो ये 180 माइनस 60। अब जैसे भी समझिए, फाइनली कहने का मतलब है यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 60 डिग्री नहीं है। साथ ही साथ दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन, 100 न्यूटन पता है, तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मान लिया अगर ये F1 है वेक्टर, ये F2 वेक्टर फोर्स वेक्टर, इसलिए F1 F2 लिख दे रहा है, तो दोनों को जोड़ने के बाद इसका जो रिजल्टेंट जो मिला इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू होगा -1/2, तो -1/2 यहाँ पे रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का माइनस माइनस हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 100 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंदर में बच जाएगा √100 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल सिंपली गेट 100 न्यूटन। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए यहाँ पे स्टूडेंट एक दूसरा तरीका आपको बताते हैं जो कि बहुत जगह आपके लिए हेल्पफुल होगा, जो कि इनफैक्ट इसी रिजल्ट से ये ड्राइव हुआ है। जब भी आपको दो वेक्टर दे दिया जाए, दो वेक्टर अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लिया एक फोर्स वेक्टर F1 है जिसका मैग्नीट्यूड अगर मान लिया x है, एक दूसरा फोर्स वेक्टर भी F2 है और इसका भी मैग्नीट्यूड मान लिया x है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो दोनों को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट होगा, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, आप इसको याद रखिए, 2x cos थीटा बाई टू। इस फॉर्मूला को आप याद रखिए, देखिए बहुत जगह काम देगा। अभी यहाँ पे क्या है ना कि दोनों आप देखते हैं, इसको आप समझिए, इस दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका ज़्यादा क्लियर होगा। अभी यहाँ पे क्या है, दोनों वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड 100 दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल 120 है, तो देखिए अब डायरेक्ट इस फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं, F1 + F2, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 2 × x क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड है, तो किसी एक का मैग्नीट्यूड लिखिए बराबर है, तो 100 × cos θ/2, तो थीटा कितना है, दोनों के बीच का एंगल 120/2। ध्यान दीजिएगा 2 × 100, ये कितना हो गया 200 cos 120/2, मतलब ये हो गया cos 60 डिग्री। इसका बेनिफिट मे बी ऐसा होता है स्टार्टिंग में, स्पेशली खासकर बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं है कॉस 120 का वैल्यू, तो आप यहाँ पे फंस जाइएगा इस मेथड में फंस जाइएगा। लेकिन अगर आपको ये मेथड पता है ना, तो कॉस 60 का वैल्यू रख के आप निकल जाइएगा यहाँ पे, तो कॉस 60 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाता है स्टूडेंट, 1/2, तो 1/2 200 × 1/2 हाफ, मतलब ये हो गया 100 न्यूटन इज योर आंसर। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि इज इट पॉसिबल दैट m वेक्टर × m वेक्टर = m वेक्टर, क्या दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है क्या वो बराबर पॉसिबल है m वेक्टर के ही बराबर, समझिएगा। चलिए इसको बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m वेक्टर × m वेक्टर, भाई तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड m × दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड m × साइन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो दो वेक्टर यहाँ पे कौन कौन है, सेमी वेक्टर है, तो सेमी दो वेक्टर, सेमी वेक्टर, एक वेक्टर m, एक दूसरा वेक्टर भी m, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो डिग्री होगा। दो m वेक्टर इधर है, तो m वेक्टर भी ऐसा ही ना होगा, सेमी वेक्टर ही है, ठीक है। तो साइन 0 × एक यूनिट वेक्टर लिखते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग m एंड m, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये टोटल हो गया 0, साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया 0, तो ये टोटल हो गया 0, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स अ वेक्टर। दो तरह का प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू आता है वो स्केलर होता है और क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू आता है वो वेक्टर होता है। तो साइन 0 तो 0, टोटल 0 कर दिया, लेकिन ये वेक्टर होगा, मतलब ये होगा 0 वेक्टर या नल वेक्टर जो कहिए। चलिए अब समझिएगा, अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, एम वेक्टर। अब ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, डैट इज, कहने का मतलब ये वेक्टर है कि 0 वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड और ये m वेक्टर बराबर है।
बराबर है, यहाँ से रिजल्ट मिल गया। तो भाई कहने का मतलब ये है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तभी बराबर होगा जब एम वेक्टर जो है वो नल वेक्टर होगा, या कहें कि ये रिलेशन तभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब जो वेक्टर एम जो है वो जीरो वेक्टर हो जाए, तब ये रिलेशन पॉसिबल है। तो इसका आंसर हो गया कि यस इट इज पॉसिबल व्हेन वेक्टर एम इज अ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। क्लियर स्टूडेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो स्टूडेंट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, और इनफैक्ट 21 का क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया गया है, और आगे के जो भी क्वेश्चन है 22, 23, 24 लाइक दिस, ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट पे हैं। तो 22 से हम सॉल्व करते हैं, 21 से आपको डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और बाकी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22 में स्टूडेंट कह रहा है अ क्रिकेट बॉल रीचेज फ्रॉम एम टू एन, आप फिगर में देख सकते हैं दो पॉइंट आपको एम और एन, यहाँ एम यहाँ से एन, ठीक है। आफ्टर सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट, हम लोगों को निकालना है, मतलब कोई क्रिकेट बॉल है उसको कोई बैट्समैन जो है वो हिट किया, एम से हिट किया, बॉल इस तरह से गया, इधर गया, इधर गया और यहाँ एन तक आया, ठीक है। तो बॉल के द्वारा कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है ये हम लोगों को निकालना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हम लोग ये जितना जो आपका छोटा छोटा जो डिस्प्लेसमेंट है ये एम बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी, एम एन सबको ऐड कर देंगे, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एम से चलना शुरू किया है तो एम बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी एन वेक्टर प्लस डी एन वेक्टर, यही मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक एक करके अब यहाँ पर कंसेप्ट यही है कि भाई कैसे हम लोग किसी वेक्टर को हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आई और जे में लिखते हैं, यही कंसेप्ट ज़्यादा यहाँ पर यूज होता है। तो एम बी वेक्टर को आप ध्यान दीजिए, एम बी वेक्टर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, तो एम बी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए एम बी वेक्टर को हम लिख रहे हैं तो 10 कॉस, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है इस एक्स एक्सिस के साथ, तो कॉस 30 डिग्री आई वेक्टर, ठीक है, प्लस 10 साइन 30 डिग्री जे। क्लियर है, ये एम बी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं एम बी वेक्टर को। अब बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर तो सिंपल आपका डायरेक्टली वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये सिंपल हो जाएगा प्लस 7j, ध्यान दीजिएगा ये आपका बी सी वेक्टर हो गया। चलिए सी डी वेक्टर, अब सी डी वेक्टर ये डायरेक्टली आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो हम सी डी वेक्टर को लिख सकते हैं, सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है तो 15, और इनटू इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है माइनस आई, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं माइनस आई, तो ये आपका हो गया सी डी वेक्टर प्लस डी एन वेक्टर, ध्यान दीजिएगा। अब डी एन वेक्टर कितना लिख सकते हैं, डी एन वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 5 और ये कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री, तो 5 कॉस 37 डिग्री आई, चूंकि इसको आप कंपोनेंट में ब्रेक कीजिएगा तो इसका एक्स एक्सिस वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा तो आई लिख दिए, लेकिन जे वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा तो माइनस जे ले लेंगे, मतलब प्लस 5 साइन 37 डिग्री माइनस जे। क्लियर स्टूडेंट, अब कुछ नहीं करना है, सारे के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे 37 कॉस 37 वगैरह का वैल्यू आपको दिया हुआ है, सारे आई वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे, जे वाले टर्म को एक साथ करेंगे, देखते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको फाइनली सबका वैल्यू पुट करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है टोटल डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग डी से डिनोट करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा आई और जे के टर्म पे फाइनली आ चुका, मतलब ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही आपका ये एन पॉइंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आप डायरेक्ट मिला दीजिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट को, तो यही आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल यहाँ से चला घूम फिर के ये डी यहाँ तक पहुँचा, और ये डी का वैल्यू किसके बराबर है टोटल डिस्प्लेसमेंट का, सबको भाई ऐड किए तो उसके बराबर है। क्लियर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको आई और जे के टर्म में निकल गया है, यहाँ से आप इसका वैल्यू निकाल दीजिए, आई के कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट के स्क्वायर स्क्वायर रूट करके, एंड यू विल गेट द